अगला एस्पेक्ट है हमारा प्रोसेस टू प्रिपेयर बजट। अभी हम लास्ट टाइम पर हम बात कर रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, और अभी हम बात करने वाले हैं प्रोसेस टू प्रिपेयर बजट। प्रोसेस टू प्रिपेयर बजट की अगर हम बात करते हैं, तो इससे पहले सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि यह प्रोसेस क्या होता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जनरल सा एग्जांपल ले रहा हूं। कई बार घर पर चाय बनानी पड़ जाती होगी, बच्चे कह रहे हैं हां सर बनानी पड़ती है। तो आज मैं आपको बजट प्रिपेयर करने के प्रोसेस से पहले घर पर चाय कैसे बनाया जाता है इस प्रोसेस पर हम बात करेंगे। बच्चे कह रहे हैं सर इसमें बात करने वाली क्या बात है, ये तो हमको पहले से आता है। हम जाते हैं और जल्दी से चाय को पी लेते हैं, और उसके बाद अगला स्टेप होता है कि गैस चालू करना। और गैस चालू करने के बाद हम चाय सर्व करके आ जाते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं बर्तन में कुछ पानी पत्ती वगैरह डालते हैं। अगर मैंने ये प्रोसेस आपको बताया तो आप क्या बोल रहे हो, सर ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना तो हमको भी आता है, खाना बनाना नहीं जानते, बहुत सारे आइटम्स को नहीं बना सकते तो चाय तो बना ही सकते हैं ना, ये प्रोसेस आप गलत बता रहे हो, ऐसे नहीं होता। कैसे आइडेंटिफाई किया कि मैं प्रोसेस गलत बता रहा हूं, क्योंकि आपने उसे फील कर रखा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पहले बनेगी उसके बाद तो पी जा सकती है ना। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हो जाती है। तो पहला जो स्टेप होगा वो फर्स्ट ही आएगा ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बिल्डिंग बन रही है पहले टॉप फ्लोर बनाएंगे, अगर हम चार फ्लोर बनाना चाहते हैं तो पहले फोर्थ फ्लोर बनाएंगे उसके बाद से थर्ड, फिर उसके बाद सेकंड, फिर हम फर्स्ट बनाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब ये अजम्पशन मत देना कि पिलर्स खड़े कर लेंगे, मैं नॉर्मल सर्कमस्टांस से बात कर रहा हूं कि आप पहले फोर्थ फ्लोर नहीं बना सकते डायरेक्टली, आपको पहले फर्स्ट फ्लोर ही बनाना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर ही बनाना पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर बनाओगे उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाओगे, फिर सेकंड फ्लोर बनाओगे, ऐसे करके आपको फ्लोर फ्लोर बनाने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो जो काम पहले होना है वो पहले होगा, उसके बाद वाला काम उसके बाद होगा। जब इस तरीके से कुछ हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ऐसे किसी मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज प्रोसेस। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस टू प्रिपेयर बजट। जब बजट प्रिपेयर होता है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज कब होती हैं, इन सारी एक्टिविटीज को हम वन बाय वन करके बात कर लेते हैं। पहले पॉइंट्स ने बस आपको थोड़ा सा ये बताया कि सर बजट बनाना आसान काम नहीं है, लेंथी प्रोसेस है, टेडियस है, साथ ही साथ एक्सट्रीमली थोड़ा सा हमारा हार्ड प्रोसेस है, काफी कुछ मैसअप सा हो जाता है। तो प्रिपेयरिंग बजट इज अ एक्सट्रीमली टेडियस और लेंथी प्रोसेस, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, हम ये बात करने वाले हैं। अगले मुद्दे पर चलते हैं, इट बिगेन्स विद द बजट डिवीजन। कहां से स्टार्ट होता है, इट बिगेन्स विद द बजट डिवीजन इशूइंग सर्कुलर। बजट बिगेन विद द बजट डिवीजन इशूइंग सर्कुलर टू ऑल द मिनिस्ट्रीज स्टेट यूटीज, यूटीज मतलब यूनियन टेरिटोरीज, एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, ऑटोनोमस बॉडीज, डिपार्टमेंट्स, डिफेंस फोर्सेज Who are asked to submit expenditure estimate for the upcoming years? इनका कहना है जब हम बजट बना रहे होते हैं तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट बजट डिवीजन से स्टार्ट होता है जिनको सर्क्यूलर इशू किया जाता है। और उन डिवीजन की बात करें तो उन डिवीजन में सारी मिनिस्ट्रीज हो सकती हैं, स्टेट हो सकते हैं, यूनियन टेरिटोरीज हो सकती हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हो सकती हैं, डिपार्टमेंट हो सकते हैं, डिफेंस फोर्सेज हो सकते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप अपने अपने एक्सपेंडिचर का एस्टीमेट बना के हमें दीजिए। जैसे अगर आपकी फैमिली का बजट बनेगा तो आपके परिवार में आप लोगों से पहले पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर आप क्या करना चाहते हो, कौन सा कोर्स करना चाहते हो, ट्यूशन लगाना चाहते हो या ऐसे ही पढ़ लोगे, बात समझ रहे हो ना। तो उन सारे मुद्दों को देखते हुए पेरेंट्स माइंड में कोई एक ऑब्जर्वेशन जनरेट कर लेते हैं कि इतना खर्चा बच्चों के लिए होगा, इतना खर्चा फैमिली के रूटीन एक्सपेंसेस में होगा, तो ओवरऑल हमारे पास इतना फंड होना चाहिए। तो सेम वे गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे बात करेगी या नहीं करेगी, जिन पर खर्चा करती है गवर्नमेंट वो उसके फैमिली मेंबर हो गए। हमने यहां बात किया कहां से स्टार्ट होगा, सर ये सर्कुलर इशू किया जाएगा, सर्कुलर मतलब एक तरीके से एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आप हमको इन डिफरेंट अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस का एस्टीमेट बना के दीजिए। बच्चे कह रहे हैं सब कुछ तो समझ आ गया सर, मिनिस्ट्री समझ में आती है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, रेलवे मंत्रालय हो गया,
रेलवे मिनिस्ट्री हो गई, हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे हम कोई बात करें किसी भी टाइप की जो एक्टिविटीज होती है जो गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, ये अपने अपने खर्चों का एस्टीमेट बना के देंगे। मिनिस्ट्री तो हम बहुत सुनते रहते हैं, मिनिस्ट्रीज के साथ साथ स्टेट्स भी हमें समझ आता है, यूनियन टेरिटोरीज भी हमें समझ आता है, क्योंकि कई बार स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज की डिमांड पर गवर्नमेंट पैसे देती है तो उनके एक्सपेंडिचर का भी एस्टीमेट ले सकती है कि आपको कितना अमाउंट क्या कहां क्या खर्चा करना है। लेकिन सर जो अगला टर्म है दैट इज नोन एज ऑटोनोमस बॉडी, ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल टर्म है। अगर हम बात करें, बच्चे कह रहे हैं सर ये जो ऑटोनोमस बॉडी वर्ड है ना ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये क्या होता है? ऑटोनोमस बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एक स्टैचुरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में जो बॉडीज बनी होती है दैट इज नोन एज ऑटोनोमस बॉडीज। कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट पर काफी हद तक डिपेंडेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प से ही वो जो मोस्ट ऑफ द टाइम पर चल रहे होते हैं। जैसे हम ICSI की बात कर लें, एक स्टैचुरी बॉडी है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, आपके प्रोस्पेक्टस पर आपकी जो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से मटेरियल आते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मेंशन रहता है स्टैचुरी कॉरपोरेशन अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टैचुरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जो ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं उनको भी गवर्नमेंट से कई बार फंडिंग हो रही होती है तो उनके एक्सपेंडिचर के बारे में गवर्नमेंट कई बार एस्टीमेशन चाहती है बजट बनाने से पहले। मैंने आपसे बात किया बेटा ऑटोनोमस बॉडीज, डिपार्टमेंट जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, डिफेंस फोर्सेस इन पर भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा खर्चा होता है, हु आर आस्क टू सबमिट द एक्सपेंडिचर एस्टीमेट फॉर द अपकमिंग ईयर। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं अपने मेंबर से एक एस्टीमेशन लिया गया कि पर्टिकुलर ईयर में आपके कितने खर्चे हो सकते हैं, एस्टीमेट बना के दीजिए। एग्जैक्टली नहीं, कम से कम एस्टीमेटेड तो दे सकते हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो होता रहता है। आगे हम बात करेंगे एक्सटेंसिव वाइड कंसल्टेशन, इनका कहना है एक्सटेंसिव का मतलब होता है काफी डिटेल में वाइड कंसल्टेशन चल रहा होता है किस किस के बीच में, बिटवीन द यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज। यूनियन मिनिस्ट्रीज और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है जो कि कहीं ना कहीं जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के नाम से भी जाना जाता है, फंड से कनेक्टेड मैटर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू डील किए जाते हैं। वंस द एस्टीमेट हैव बीन सबमिटेड, जैसे ही ये एस्टीमेट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, यूनियन मिनिस्ट्रीज के बीच में और फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के बीच में आपस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या चल रहा होता है, डिस्कशन चल रहा होता है, वाइड डिस्कशन वाइड कंसल्टेशन चल रहा होता है। इन द मीन टाइम इसी दौरान डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर DEA बोला जाता है इसे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मीट स्टेक होल्डर्स, यानी कि यूनियन मिनिस्ट्रीज जो होती हैं जिसका मेजर मिनिस्ट्रीज हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये मीट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। सर ये वर्ड स्टेक होल्डर, ये मिनिस्ट्रीज तो हमें समझ आते हैं लेकिन ये वर्ड स्टेक होल्डर्स क्या कहता है, क्या इंडिकेट करता है? स्टेक होल्डर का मतलब होता है इंटरेस्टेड पर्सन, कनेक्टेड पर्सन, ऐसे पर्सन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट होते हैं किसी एस्पेक्ट से, उन्हें बोला जाता है स्टेक होल्डर्स। जैसे एक बिजनेस के स्टेक होल्डर कौन हो सकते हैं, एक बिजनेस का ओनर, एक बिजनेस का शेयर होल्डर, बिजनेस के एम्प्लॉई, गवर्नमेंट, पब्लिक एट अ लार्ज, डेटर्स क्रेडिटर, ये सारे पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक बिजनेस से अफेक्ट करते हैं। बिजनेस की सप्लाई रुकेगी तो इवन दो जो बिजनेस के कस्टमर है उन पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट होते रहते हैं उन्हें हम स्टेक होल्डर बोलते हैं, लेकिन वहीं अगर हमारी मिनिस्ट्रीज के स्टेक होल्डर होंगे तो वो कौन हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक पर्सन जो कि हमारे पब्लिक एट लार्ज में शामिल होते हैं, वो फार्मर्स भी हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, वो इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, वो इकोनॉमिस्ट भी हो सकते हैं, वो सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो यहां पर एक फर्ज बनता है, यहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो यूनियन गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ या डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, उन स्टेक होल्डर से मिले और कहीं ना कहीं उनके व्यूज लें, उनसे बात करें कि वो पर्टिकुलर बजट में उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो यहां पर स्टेक होल्डर से कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर में कौन मेंशन कर रखा है, फार्मर्स, बिजनेसमैन, FIIs,
मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये अपोस्ट्रोफी एस लगा लेंगे इसमें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हो बेटा FIIs, इकोनॉमिस्ट एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स टू टेक देयर व्यूज, यानी कि बजट के दौरान डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक एट अ लार्ज के व्यूज लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो बजट के बारे में हमने बोला कि बहुत ही लेंथी एक्सरसाइज है, पहले डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज के एक्सपेंसेस का एस्टीमेशन लिया गया, फिर इनका आपस में उस पर डिटेल डिस्कशन चालू हो गया, पब्लिक एट अ लार्ज यानी कि स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं, उनके व्यूज ले रहे हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस क्या है। आपने सुना भी होगा जब 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 बजट आता है उससे पहले न्यूज में आना स्टार्ट हो जाता है कि इंडस्ट्री इस बार एक्सपेक्ट करती है, पब्लिक इस बार एक्सपेक्ट करती है, फार्मर्स के लिए ये होना चाहिए, वो कहां से आ जाता है, कहीं ना कहीं इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट व्यूज से आता है। वंस द प्री बजट मीटिंग आर ओवर, जैसे ही ये बजट से पहले की मीटिंग्स ओवर होती हैं, अ फाइनल कॉल ऑन द टैक्स प्रपोजल्स इज टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, और डिफरेंट डिफरेंट टैक्स प्रपोजल्स पर फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू बात होती है, द प्रपोजल्स आर डिस्कस विद द प्राइम मिनिस्टर, और इन्हीं प्रपोजल्स को प्रधानमंत्री के साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस किया जाता है बिफोर द बजट इज फाइनली प्रिपेयर्ड। बजट को फाइनल प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा प्रधान होता है, जो हमारा प्रधान मुखिया होता है, हमारे मोदी जी उसे प्रधान सेवक भी बोल देते हैं कई बार, लेकिन हम यहां इसे क्या बोलकर चलेंगे, प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ बेसिकली बात की जाती है। कौन बात करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, कि क्या ये जो हमने प्रपोजल्स हैं, जो हमने ये जो आस्पेक्ट तैयार किए, क्या हमको ये प्रेजेंट कर देने चाहिए, और उसके बाद फाइनली बजट प्रिपेयर हो जाता है। जब जब हम बजट प्रेजेंटेशन स्पीच की बात करेंगे, हमने बात किया था बच्चों फेब में बजट प्रेजेंट होता है, तो जब बजट प्रेजेंट होता है तो उस दौरान बजट प्रेजेंटेशन स्पीच दिया जाता है, तो इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन स्पीच में बोला जाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करें तो वाइड लेवल पर जिन एरियाज को कवर किया जाता है वो सारे एरियाज भी कहीं ना कहीं बजट प्रेजेंटेशन स्पीच का पार्ट होते हैं। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट, जो गवर्नमेंट की मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी होती है या कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट होते हैं, एक बेटर ढंग से, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक व्यू रचनात्मक या कुछ इस तरीके से कोई एक्टिविटी करना जिसका एक्स्ट्रा एडवांटेज मिले, बात समझ रहे हो ना। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा हैवी सा पहलवान है 100 kg का और एक दुबला पतला इंसान उसमें 40 kg वेट है, अब वो डायरेक्टली जाके उससे लड़ेगा तो दिक्कत में आएगा ना आएगा, और हो सकता है उसे जीतना उसे भारी पड़ जाए, लेकिन वही पर्सन छुप के बैठ गया और जैसे ही वो 100 kg का पहलवान आया उसने पीछे से उस पर पत्थर मार दिया उसके सिर पर, वो गिर सकता है, वो हारा थका इंसान, वो पतला दुबला सा इंसान भी जीत सकता है बेटा, यही एक स्ट्रेटजी हो गई। अगर वो स्ट्रेटजी उसने ना बनाई होती तो शायद उसका सक्सेस होना बहुत मुश्किल था। तो गवर्नमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से स्ट्रेटजी बनाती है, जैसे हमारे कंट्री में कोरोना फैला तो लॉकडाउन कर दो, पहले जनता कर्फ्यू लेके आओ फिर लॉकडाउन कर दो, नहीं मान रहे तो जहां जहां कोरोना के हॉटस्पॉट है उन्हें सील कर दो। लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, ये स्ट्रेटजी के थ्रू काम हो रहा है। अगर विदाउट स्ट्रेटजी अगर हम काम कर रहे होते तो हमारा हाल भी यूएसए जैसा हो जाता, बात समझ रहे हो ना। दैट मींस इन्होंने फाइनेंशियल स्टेक नहीं देखा, इकोनॉमी का स्टेक नहीं देखा, प्रॉफिट्स नहीं देखे, और पैसे तो बाद में कमा लेंगे, जहां जाने वहीं जहान है, एक स्ट्रेटजी लगाई कि जहां पब्लिक है उसे वहीं रोक दो। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई किसी फैमिली वाले से ना मिले, गवर्नमेंट चाहती है अगर कोई दिल्ली में काम कर रहा है तो वो मुंबई जा सके, जो मुंबई में काम कर रहा है वो दिल्ली आ सके, सब अपने परिवार के पास जा सके, बट गवर्नमेंट का मानना है कि जो जहां रहेगा तो वो प्रॉब्लम भी वहीं तक रहेगी, प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं एक्सपेंशन नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी बनाया कि जो जहां है उसे वहीं रोक दो, लेकिन कई बार क्या होता है पब्लिक को लगता है कि अरे ये तो हमारी छुट्टियां खराब कर रहे हैं, लॉकडाउन हो गया अब तो हम छुट्टियां मनाने घर वालों के पास जा सकते हैं। अरे भाई जा तो सकते हो लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो। तो हमने यहां बात किया
डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट बनाता है, स्ट्रेटेजी से एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, प्रॉब्लम को हम जल्दी ओवरकम कर लेते हैं। मीडियम टर्म्स फिजिकल पॉलिसीज, फिजिकल मतलब फाइनेंस से कनेक्टेड होती है, तो फाइनेंस से कनेक्टेड मीडियम टर्म्स पॉलिसी भी इधर डिस्कशन होती है, बजट स्पीच का पार्ट बनती है। स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, कहां का क्या क्या खर्चे होंगे, एक्सपेंडिचर से कनेक्टेड जो बजट रहेंगे, प्रोफाइल का मतलब एक्सपेंडिचर किस किस कैटेगरी में होगा, और रिसीप्ट्स बजट, और कहीं ना कहीं हमें पैसा कहां कहां से, हमें एस्टिमेटेड जो इनकम रहेगी, एस्टिमेटेड जो अमाउंट आएगा वो कहां से आएगा, इन सारे मुद्दों पर बजट स्पीच में बोला जाता है। एग्जामिनेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बजट स्पीच का इनमें से कौन सा पार्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज कवर्ड अंडर द बजट स्पीच, और इनमें से कोई तीन पॉइंट दे दें और लास्ट में ऑल ऑफ दीज मेंशन करते हो, तो टिक कहां लगाओगे बेटा, ऑल ऑफ दीज पर। तो यहां हमने बात किया बेटा प्रोसेस टू प्रिपेयर बजट, जब जब हम बजट प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में चल रहे होते हैं, और फाइनली वो बजट प्रिपेयर होने के बाद पार्लियामेंट में बजट स्पीच दे दिया जाता है। इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग टू बजट, हालांकि बजट से कनेक्टेड कुछ टर्म्स पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और अगेन उन टर्म्स पर हमें बात करना है। थोड़ी देर पहले हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर चुके थे, और हमने क्या बोला था, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे उनसे रेवेन्यू बजट बनेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे उनसे कैपिटल बजट बनेगा। और अब जो मुद्दा हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं सर, रेवेन्यू बजट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा एक ऐसे एक्सपेंडिचर जो असेट से कनेक्टेड नहीं होते, और उन्हीं एक्सपेंडिचर के बारे में अगर बजट बनेगा तो उस बजट को क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस बजट को क्या बोला जाएगा बेटा, रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में जब मैं बात करूंगा आपसे और उन एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं, तो हम एक्सप्लेनेशन यही देते हैं कि सर ऐसे एक्सपेंडिचर जो कहीं ना कहीं असेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं, और अगर ऐसे एक्सपेंडिचर का बजट बनता है तो उसे किस कैटेगरी में लेके आएंगे, रेवेन्यू बजट। तो रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों टाइप के एस्पेक्ट आ जाएंगे। इन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, हालांकि हमको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट्स पहले ही समझ में आ गया, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रेवेन्यू बजट ऑल रेवेन्यू बजट रिकॉर्ड, ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है, ऑल द रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। मतलब सर ये बात समझ में आ गई, पहले आप बोल चुके थे रेवेन्यू आइटम्स के केस में बनता है रेवेन्यू बजट, तो रेवेन्यू आइटम में रेवेन्यू रिसीप्ट्स भी आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएंगे। इफ द रेवेन्यू एक्सपेंसिस इज मोर देन द रिसीप्ट, इट इंडिकेट देयर इज अ रेवेन्यू डेफिसिट। बच्चों जब खर्चे कम हो जाए, बच्चों जब खर्चे कम हो जाए दैट मीन्स रिसीप्ट कम हो जाए और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट। जब जब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस आपके ज्यादा हो और रिसीप्ट कम हो उसे क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। और इफ रेवेन्यू रिसीप्ट मोर देन एक्सपेंडिचर कॉल्ड सरप्लस, और यही आपकी रिसीप्ट अगर एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो तो इसे क्या बोला जाएगा, सरप्लस बोला जाएगा। हमने दो मुद्दे डिस्कस करे, हमको हमारी इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, चाहे हम रेवेन्यू के रेफरेंस में बात करें या कैपिटल के रेफरेंस में, इनकम ज्यादा खर्चे कम सरप्लस बचेगा, और खर्चे ज्यादा इनकम कम पैसे कम पड़ जाएंगे, और जब पैसे कम पड़ जाएंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, डेफिसिट। तो हमने यहां बोला रेवेन्यू बजट रेवेन्यू रिसीप्ट को भी रिकॉर्ड करता है, एक्सपेंडिचर को भी करता है, यहां रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो रेवेन्यू डेफिसिट कहां क्रिएट होगा, तो रेवेन्यू बजट में क्रिएट होगा। इफ रिसीप्ट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर तो उसे क्या बोला जाएगा, सरप्लस। तो रेवेन्यू सरप्लस कहां क्रिएट होगा, रेवेन्यू बजट में, ठीक बात है। और रिसीप्ट अगर रेवेन्यू रिसीप्ट इफ रेवेन्यू रिसीप्ट इज मोर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देन इट विल क्रिएट रेवेन्यू सरप्लस, कैपिटल सरप्लस, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, तो क्या बोलोगे, रेवेन्यू सरप्लस पर टिक करोगे। रेवेन्यू डेफिसिट डज नॉट डिनोट एन एक्चुअल लॉस, इनका कहना है ये कोई एक्चुअल लॉस नहीं होता अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो, ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, बट इज ओनली अ शॉर्ट फॉल इन द रेवेन्यू फ्रॉम वॉट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इनका कहना है अगर रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि गवर्नमेंट को एक्चुअल लॉस हो रहा है,
क्योंकि ये बजट्स हैं, बजट्स में कभी एक्चुअल लॉस नहीं होते, क्योंकि ये टाइम पीरियड से पहले, बजट पीरियड से पहले बनते हैं, और जब तक कोई पैसा आया नहीं, जब तक कोई पैसा गया नहीं, तो एक्चुअल लॉस आप कैसे बोल सकते हो। तो ये शॉर्टफॉल है, पैसे की कमी पड़ सकती है, ऐसा कुछ ना कुछ एस्टीमेशन है, इसी को हम डेफिसिट बोल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल लॉस नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बने क्या रेवेन्यू डेफिसिट एक्चुअल लॉस होता है, तो आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू डेफिसिट एक्चुअल लॉस नहीं होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फॉर नॉर्मल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेप्ट, सब्सिडीज एटसेट्रा। इनका कहना है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो क्या होंगे, हमारे नॉर्मल रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो गवर्नमेंट के या डिपार्टमेंट्स के या वेरियस सर्विसेज के। अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, किसी से पैसा उधार लिया उस पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो हमारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ हमने कोई सब्सिडीज वगैरह रेगुलर या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो देने पड़ते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएंगे। और रेवेन्यू रिसीव्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीव्ड। रेवेन्यू रिसीव्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, टैक्स रिसीव्ड और नॉन टैक्स। गवर्नमेंट की जो मेजर इनकम होती है वो कहां से होती है, टैक्स से होती है। क्या इसके अलावा भी गवर्नमेंट कहीं से कमाती होगी? जी बिल्कुल सर, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। इंडियन रेलवे क्या गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की संस्था है? क्या ये इंडियन रेलवे भी प्रॉफिट कमा लेती होगी? बोला सर हमें तो लगता नहीं है प्रॉफिट कमा लेती होगी, सारी ट्रेन में टिकट लेगी कम बैठे होते, बिना टिकट वाले ज्यादा होते हैं। बेटा होता है, लेकिन स्टिल वो कई बार प्रॉफिट कमा लेती है। दूसरा हम बात करते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो होगा, दिल्ली मेट्रो में तो ऐसा कोई फंडामेंटल नहीं है, तो वहां पर भी गवर्नमेंट का काफी हद तक स्टेक है। तो कई बार गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है वो टैक्स से होती है, तो कई बार वो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी अर्न कर रही होती है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहां से मिलेगा, टैक्स रेवेन्यू के तौर पर या नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पर मिलेगा। अगले मुद्दे पर हम बात करेंगे, टैक्स रेवेन्यू आर मेड ऑफ द टैक्सेस सच एज द इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, एक्साइज, कस्टम, जीएसटी। बेटा ये अगले लेवल पर जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आओगे तो बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। एक पर्सन जब इनकम कमाता है तो लगता है इनकम टैक्स, अगर एक पर्सन एक कंपनी चला रहा है तो उस पर क्या लगेगा, कॉरपोरेशन टैक्स। मतलब इनकम टैक्स तो उसकी इनकम पर लगेगा, और कॉरपोरेट होने की वजह से भी उस पर कुछ टैक्सेस लगते हैं। एक्साइज, जब हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो हम पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। जब हम गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हम पर कस्टम ड्यूटी लगती है। जब हम गुड्स को सेल कर रहे होते हैं तो हम पर जीएसटी लगता है। जब हम सर्विसेज दे रहे होते हैं तो हम पर जीएसटी लगता है। और भी काफी सारे ड्यूटीज या गवर्नमेंट लेवाइज होती हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, तो आप इजीली आप वहां बता सकते हो कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, एक्साइज, कस्टम, जीएसटी और अदर ड्यूटीज गवर्नमेंट टैक्सेस की कैटेगरी में आएंगे। इन नॉन टैक्स रेवेन्यू, अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट से कमाएगी, जो उसने लोन वगैरह दे रखे, बांट रखे, इन्वेस्टमेंट कर रखे, या कुछ फीस रिसीव कर सकती है अगर किसी को गवर्नमेंट कंसल्टेंसी दे रही है तो, या अदर रिसीव्ड जहां सर्विसेज से गवर्नमेंट कई बार पैसे कमा रही होती है। गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को सर्विसेज दे रही होती है और वहां से उसको जनरली पैसे मिल रहे होते हैं। गवर्नमेंट रिसीव्ड विच नाइदर क्रिएट असेट्स और नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी आर कॉल्ड द रेवेन्यू रिसीव्ड। इनका कहना है हम यार रेवेन्यू बजट बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिसीव्ड्स के रेफरेंस में ही होगा। और गवर्नमेंट की ऐसी रिसीव्ड ना तो कोई असेट्स क्रिएट करती है और ना ही किसी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रही होती है, तो ऐसी रिसीव्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिसीव्ड्स। एसेंशियली दीज आर करंट इनकम रिसीव्ड फॉर द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल sources, और ऐसी receipts को कई बार हम करंट इनकम receipts के नाम से ही बोले जाते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट करंट पीरियड से कनेक्टेड ही होगी तो इसे करंट इनकम receipts के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि रेवेन्यू रिसीप्ट इज नोन एज करंट इनकम receipts, फ्यूचर इनकम receipts, तो आप टिक किस पर लगाओगे, करंट इनकम receipts पर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो कॉल्ड द इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर, इनको ही क्या बोला जाता है, इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से बुलाया जाता है। एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन बन सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या बोल सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर। सर ये इनकम स्टेटमेंट क्या है, जैसे हमने 11th क्लास में अपना पीएनएल अकाउंट बनाया वैसे ही गवर्नमेंट का इनकम स्टेटमेंट कि अगर हम बात करें, गवर्नमेंट अपना इनकम से कनेक्टेड अगर स्टेटमेंट बनाएगी तो उसमें जो खर्चे दिखाएगी उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेगी। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर। इट डिनोट शॉर्ट टर्म कॉस्ट रिलेटेड टू एन असेट्स दैट आर नॉट कैपिटलाइज। यानी अगर हमने किसी आइटम को, किसी खर्चे को असेट्स में ट्रांसफर कर दिया
तो हम उसे एक बोलते हैं हमने कैपिटलाइज्ड कर दिया, और अगर हमने पीएनएल में ट्रांसफर किया है तो हम बोलते हैं हमने उसे क्या कर लिया कि एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। तो यहां बोला कि इट डिनोट शॉर्ट टर्म कॉस्ट, ये शॉर्ट टर्म कॉस्ट होते हैं और ये शॉर्ट टर्म कॉस्ट असेट से रिलेटेड तो हो सकते हैं बट ये कैपिटलाइज नहीं होंगे। सर अभी तो आपने बोला था कि असेट से कनेक्टेड नहीं होंगे। हां बेटा असेट से कनेक्टेड नहीं होंगे, असेट्स से कनेक्टेड दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं, एक कैपिटलाइज होता है दूसरा कैपिटलाइज नहीं होता। असेट्स खराब हो गया रिपेयर कराया पीएनएल में जाता था आप 11th क्लास में आप जानते हो रिपेयर एक्सपेंसेस, लेकिन असेट्स का इंस्टॉलेशन कराया नहीं असेट्स का, और इंस्टॉलेशन से कनेक्टेड एक्सपेंसेस असेट्स की वैल्यू में ऐड होते थे। असेट्स के इंस्टॉलेशन से कनेक्टेड एक्सपेंसेस असेट्स की वैल्यू में ऐड होते थे तो ऐसे एक्सपेंसेस कैपिटलाइज हो जाया करते थे। तो जो असेट्स की वैल्यू में ऐड कर दिया वो कैपिटलाइज हो गया, जो पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया वो कैपिटलाइज नहीं हुआ। तो इन्होंने बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज नहीं होते, दीज आर द मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। अभी मैं रिपेयर की बात कर रहा था तो कहीं ना कहीं रिपेयर अगर हम करा रहे हैं वो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाता है। तो दीज आर द मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर विच द गवर्नमेंट मेक्स टुवार्ड्स द असेट्स विच इज ओन द ऑर्डर टू कीप देम फंक्शनिंग। एक असेट्स को जिस स्थिति में आप एक रनिंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस करते हो, सर्विसिंग कराते हो, उसकी टाइम टाइम पर रिपेयरिंग कराते हो, क्योंकि रिपेयरिंग अगर टाइम टाइम पर ना हो तो असेट्स और ज्यादा डैमेज हो सकती है। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, आपके टायर पंचर हो गया, या तो उसमें 10 20 50 रुपए देकर के उसके पंचर को लगवा सकते हो, या पंचर हुए टायर से अपनी बाइक या अपनी कार को चलाए ले जा रहे हो, होगा क्या एक दो घंटे बाद वो टायर खत्म ही हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको बहुत हैवी एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस नहीं कराते तो असेट्स रनिंग कंडीशन में नहीं बनी रहती, तो मेंटेनेंस जरूरी हो जाते हैं। तो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। दीज एक्सपेंडिचर आर रेकरिंग इन नेचर, रेकरिंग का मतलब बार बार होना, जनरली जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो बार बार होते हैं, रेकरिंग इन नेचर होते हैं, एंड आर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटरी, और इन्हें गवर्नमेंट रेगुलेटरी जब इन्हें इनकर्ड कर रहे होते हैं तो हम इन्हें कहीं ना कहीं रेवेन्यू बजट का पार्ट बनाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एन असेट्स, बार बार इस बात को रिपीट किया जा रहा है, असेट्स क्रिएट नहीं करते फॉर द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ सैलरी पेंशन, इट डज नॉट क्रिएट एनी असेट्स। किसी को सैलरी दे रहे हैं तो कोई असेट्स क्रिएट नहीं हो रहा, किसी को पेंशन दे रहे हैं तो कोई असेट्स क्रिएट नहीं हो रहा। हाउएवर द अमाउंट स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेट्रो इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट लीड टू द क्रिएशन ऑफ असेट्स। अगर मेट्रो पर अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो यह कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, यह कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि यहां एक असेट्स क्रिएट हो रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट, या हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल्सो मस्ट नॉट डिक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ऐसा खर्चा जो किसी गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को कम कर दे वो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं हो सकता, क्योंकि लाइबिलिटी के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो कैसे एक्सपेंडिचर होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम बोरोइंग को रीपे कर रहे हैं या किसी लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हैं क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल, तो आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों कि सर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। तो बेटा वही जनरल पॉइंट से हमने बार बार रिपीट करके यहां पर उनको पॉइंट वाइज देखा हुआ, हर एक पॉइंट अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इनके कंक्लूजन्स आप अच्छे से मेंटेन रखेंगे। तो यहां तक हमने बात करी बेटा रेवेन्यू बजट के बारे में। अगला एस्पेक्ट हमारा होगा कैपिटल बजट। अब हम नेक्स्ट मुद्दे पर बात करेंगे कैपिटल बजट।